हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी इनफिनाइट। इट्स मी बतुल। सो इन दिस चैनल यू विल गेट वीडियोस ऑफ कुकिंग, स्टिचिंग, ब्यूटी एंड मैनी मोर। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स डू इट। सो आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल का हलवा। नारियल का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी 1/2 kg, मिल्क 250 ml, मावा 3 tablespoons, ग्रेटेड कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स, घी 4 tablespoons। सबसे पहले गैस को ऑन करना है, उसमें ग्रेटेड कोकोनट को ऐड कीजिए। उसके साथ उसमें 250 ml मिल्क ऐड कीजिए। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आपको हल्के हाथों से दोनों को मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद आपको उसमें ऐड करनी है चीनी। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप चीनी कम या ज्यादा ऐड कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। हमें इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हमें गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। यहाँ पे मैंने 4 tablespoons घी लिया है। अगेन मिक्स इट वेल। हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसमें ब्राउन कलर ना आ जाए। उसके बाद इसमें ऐड करना है मावा। यहाँ पे मैंने 3 tablespoons मावा लिया है। मावा भी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। इसे और 1/2 minute तक मिक्स करने के बाद अब एक प्लेट में घी लगाकर उसमें अच्छी तरह से इस मिश्रण को फैला लेंगे। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स कतरन डालकर गार्निश कर देंगे। उसके बाद हमें इसके पीसेस करने हैं और इसे 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देना है। आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब हम इसे निकाल कर डिश में सर्व कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।